हे गाइस, अब मैं फिलहाल रेडी हो गई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं फिलहाल रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद जल्दी तैयार होना पड़ा, क्योंकि गाड़ी आ चुकी थी। इसलिए इसके पापा बोले जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, निकलना है। तो वहाँ पे वीर को भी कपड़े निकाल दिए, इनके पापा को भी निकाल दिया, मैं भी रेडी हो गई हूँ जल्दी जल्दी। तो चलो चलते हैं मंदिर, पहले चलते हैं मंदिर दर्शन करते हैं। देख वीर को चले, अभी सिम्बा दिखाती आपको क्या करता है। जैसे मम्मी ने आपको बता दिया है कि मेरा आज बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन हम पहले जा रहे हैं मंदिर जाएंगे। बहुत चार या पांच मंदिर है ना, सिद्धि विनायक, माँ लक्ष्मी, मुंबा देवी, बाबुलनाथ, ये सब मंदिर है। तो उधर जाएंगे हम दर्शन करने के बाद। अब मेरा ट्यूशन का तो छुट्टी पड़ ही गया, क्योंकि 11:15 का मेरा ट्यूशन था। चलो चलते हैं, अभी मम्मी भी रेडी हो चुके, मैं भी रेडी हो गया। मैं लुक कैसा है आपका, आप कमेंट में बताओ। पापा भी रेडी है। चलो निकल चुके हैं यात्रा के पास। और यहाँ हयात होटल के यहाँ बहुत गर्दी है, क्योंकि आज मीटिंग है तो सब नेता आ रहे हैं, इसलिए बहुत ट्रैफिक भीड़ लग चुकी है। सब आए जा रहे हैं, कोई ना कोई आया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अभी हयात के ही फंसे हैं। सबका फोटो बैनर लगा हुआ है, सब जगह की शूटिंग सब इधर चल रहे। सिद्धि विनायक हम लोग पहुँच चुके हैं, गर्दी नहीं लग रहा, दर्शन मिलेगा। जरा देख मम्मी कहाँ दिखाइए, आपको आइडिया, यहाँ कुछ ज्यादा ही छोटा लगा था। गर्दी है कि नहीं है, ज्यादा नहीं है, फिर भी है, थोड़ा मोड़ा तो है ही है। पहुंच चुके हैं, मैं अभी आपको दिखा दूं। अलाउड तो नहीं है, बट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ज्यादा भीड़ नहीं है, देखिए आप। तो आप देख ही सकते हैं कि मंदिर में कितनी बड़ी भीड़ मची हुई है, कितनी गर्दी है। बाहर से तो लाइन नहीं दिख रही है, पर मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो मम्मी हमारी दो दो बार लाइन में लगे, इनको लाइन में नहीं लगना पड़ा, तो फिर इनको डायरेक्टली दर्शन मिल गया। और ये अच्छे से दर्शन एकदम सामने जाके कर ली, और एक बार नहीं दो दो बार जा गई। एक बार एक लाइन से दर्शन करके निकली, फिर दोबारा दूसरी लाइन से आके दर्शन फिर वापस कर ली। अभी हमारा भी दर्शन अच्छे से हो गया, अभी चल रहे प्रसाद बनवा रहे हैं, प्रसाद बना के तो फिर गाड़ी बैठ के फिर अभी मुंबा देवी चलेंगे। ये मुंबा देवी के लिए चल रहे हैं मंदिर। सिद्धि विनायक फेमस, अंदर वीडियो बनाने के एकदम परमिशन नहीं है। पहुंच गए, अब जा रहे हैं दर्शन करने, फाइनली दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे सब अच्छा। अब हम लोग पहले भी पीछे के टाइम में आए थे ना, ये पीछे का रास्ता है ना। हम आए थे मुंबा देवी, हमें अच्छा दर्शन मिल गया। ये देखो टीका भी है, उसको करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत भीड़ है, इतना भीड़ है, बट हमें एक अंकल थे तो वो हमें अंदर ही घुसने दीजिए, तो हम अंदर ही जाके दर्शन कर गए। आज हम लोग को एकदम अंदर तक दर्शन मिल चुका है भगवान माता सीता के, एकदम उनके चरणों में दर्शन मिल गया है। तो चलो अभी गाड़ी में मिलते हैं, इधर अलाउड नहीं है। प्रसाद बनवा रहे हैं, यहाँ से प्रसाद कर रहे हैं, ले रहे हैं। टीका मैं सही कर लेता हूँ, टीका रहे तो हम लोग से ले लो, प्रसाद ले लो। प्रसाद यहाँ से लेने के बाद चल रहे हैं, देख रहे हैं बहुत गर्दी है। अच्छा बंदा रहे अम्मा और मम्मी, मैं नहीं बंदा रहा क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं, तो मैं नहीं बंदा रहा। तो पापा बना रहे, इधर बनाने देते। पूरा मंदिर ये भी इसके अंदर ही है। यहाँ मुंबा देवी के बाजू में ही है ये सब। वो तो हम पहले जाते थे वो स्ट्रेट लाइन के इधर, बट ये उसके पीछे का, क्योंकि यहाँ गाड़ी पार्क होती है इसके बाजू में, इसलिए हम इधर गाड़ी पार्क करके इधर से आ गए। दुकान है बहुत है इधर, देखो।
तो यहाँ से आपको कितनी खूबसूरत मुंबई दिखाई दे रही होगी कि मुंबई कितनी खूबसूरत लग रही है, तो वही हम लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे मुंबई दर्शन करके उसके बाद जाएंगे महालक्ष्मी। जा रहे हो क्या? मैं भी साथ में हूँ। हाँ, पापा है, मम्मी है, अम्मा है। चलो ना, लग रहा है ना गर्मी बढ़ गई है। अंदर लगता है भीड़ है। नहीं, भीड़ तो नहीं है ना, तो सावन है ना। हाँ। भीड़ तो आज कल लास्ट ही था, आज खत्म हो गया हमारा लास्ट था कल, बाकी लोगों का है। नारियल हाथ धो, ऊपर नहीं मिलेगा, हाथ खोल ले जाओ। नहीं तो पहले एकदम सूना सा रहता था, अभी इतना भीड़ है। पहले हम जब भी आते थे श्रावण के बाद, श्रावण के पहले पूरा सूना लेता है। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये एंट्रेंस तो उधर थी। ये गाइस अब तो और अच्छा बना दिया, ये देखो कारपेट लगा दिया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ से मुंबई भी दिखती है हमें। चलो चलते, भीड़ है यार। आपने पहले के व्लॉग में देखा रहेगा, ऐसे भी अच्छा बड़ा फोटो लगाया गया इधर। और पिछली बार आए थे तो ये पूरा कपाट खुला था, इतना भीड़ नहीं थी। कितने बार बोल सकता हूँ मैं आपको, बट इस बार कपाट बंद है तो ठीक है। और यहाँ देखें, यहाँ भी एक भगवान है। तो चलो आगे, मम्मी पापा कहाँ गए उनको ढूंढ रहे थे। और इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है? इधर मेरी माँ है। इधर केक कटे, अम्मा आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलो। भोलेनाथ का दर्शन करके बैठी हूँ, आराम कर रही हूँ थोड़ा। अच्छा, ध्यान लगा रही हो। और सामने है हमारे शिव जी, अभी आपको आपको थोड़ा थोड़ा उनको दिख रहा रहेगा तो ठीक है, थोड़ा दूर है ना उससे। बहुत बड़ा मंदिर है बाबुलनाथ। पप्पा किधर है, किधर है, किधर है? कैसा रहा दर्शन आपका पप्पा, कैसा रहा दर्शन? अच्छा, फोन पे बात कर रहे। तो अच्छा, दर्शन हो चुका है। चलो चलो, अभी हम चलते हैं अभी महालक्ष्मी, महालक्ष्मी के बाद घर जाएंगे। तो चलो फिर, अंकल भी इधर ही कहीं रहेंगे, अंकल से भी चलो महालक्ष्मी चलते हैं। अभी हो गया, यहाँ का दर्शन बहुत ही अच्छा हो गया। महालक्ष्मी पहुँच चुके हैं दर्शन करने, अब जा रहे हैं। अरे देखिए, यहाँ पे ये लोग भी दर्शन करने चल रहे हैं, सब लोग दर्शन करने महालक्ष्मी। पैर सबका जल रहा है, उसी में तो बोलना चाहिए था, हम लोग भी पहन लिए थे। हम लोग यहाँ पे प्रसाद लिए हैं, जाते हैं मंदिर दर्शन करने। नया नया भी महालक्ष्मी का दर्शन हो गया है। दर्शन होने के बाद अब घर पे चल रहे हैं, गाड़ी आ गई है, गाड़ी में बैठते हैं, घर पे चलते हैं। लहसुन यहाँ भी सूप पीते हुए, वीर का पिज्जा फेवरेट डिश, वीर का पिज्जा भी आ गया, काजू बादाम के साथ खाओ, एंजॉय करो। कैसा